आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, इनकम टैक्स ने दी है आपको बहुत बड़ी राहत। सर क्या राहत दी है, यहाँ पर जरा ध्यान से देख लो, एक ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है भाई 1,00,000 रुपये तक की आपकी डिमांड माफ़ कर दी जाएगी। और माफ़ कर दी जाएगी नहीं, माफ़ कर दी गई है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, अगर आपको याद हो 1 फरवरी 2024 को जो हमारी ठीक है फाइनेंस मिनिस्टर थी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि भैया 1,00,000 रुपये तक की हम डिमांड माफ़ करने जा रहे हैं और इसके लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन कोई ऑर्डर नहीं आया था। तो ये 13 फरवरी 2024 को ये ऑर्डर आया है जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं या आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। अब इसके अंदर लिखा क्या था, इसके अंदर लिखा ये था कि भैया इस बात को ध्यान से समझो कि 1,00,000 रुपये तक की अगर तुम्हारी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसे हम माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे जी फाइनेंशियल ईयर 17-18 में मेरी 1,00,000 की डिमांड थी, इसे माफ़ करा दो, आंसर इज़ नो, उसकी डिमांड माफ़ नहीं होगी। ये किन के ऊपर लागू होगा, जिनकी डिमांड असेसमेंट ईयर 15-16 तक है। तो सर ऐसा करो, मेरी एक डिमांड थी 14-15 के अंदर 1,00,000 रुपये की, उसे माफ़ करा दो, भाई तुम्हारी भी माफ़ नहीं होगी। तो सर माफ़ होगी किनकी, इस बात को जरा ध्यान से समझो। यहाँ पर ये कहता है असेसमेंट ईयर 10-11 तक अगर किसी की डिमांड एंट्री 25,000 रुपये तक है। सर ये डिमांड एंट्री का मतलब क्या हुआ भाई, आप ऐसे समझो कि तुम्हारी असेसमेंट ईयर 10-11 में 22,000 की डिमांड है तो वो माफ़ हो जाएगी। असेसमेंट ईयर 9-10 में आपकी 22,000 की डिमांड है, 23,000 की डिमांड है, वो भी माफ़ हो जाएगी। और असेसमेंट ईयर 11-12 से लेकर असेसमेंट ईयर 15-16 तक, मतलब 5 सालों तक अगर आपकी डिमांड एंट्री अप टू 10,000 रुपये तक है तो वो माफ़ हो जाएगी। तो माफ़ कैसे होगी पहले इस चीज़ को समझो, और इन सब का टोटल 1,00,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसे माफ़ करवाने के लिए कोई एप्लीकेशन डालनी है क्या, कहीं पर रिक्वेस्ट करनी है क्या, आंसर इज़ नो। अगर आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाओगे तो पोर्टल पर यहाँ पर जाकर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर इन्होंने ऊपर ऑप्शन दिया है, जहाँ पर आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड आती है वहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया है। वहाँ पर जैसे ही आप अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड को जाकर देखोगे, जैसे ही वहाँ पर आप अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड को जाकर देखोगे तो वहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि भैया जो आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो डिपार्टमेंट ने ठीक है, जो हमारा क्या कहते हैं CPC है, उन्होंने विथड्रॉ कर ली है, उन्होंने छोड़ दिया आपकी डिमांड। यहाँ पर अभी पोर्टल पर ये शो नहीं हो रहा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये कैसे आपकी जो डिमांड है ये हटा दी गई है, ठीक है ना जी। चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि अगर ये पोर्टल पे अभी इसमें कुछ एरर आ रही है, अदरवाइज ये आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। आपको करना क्या है, पोर्टल पर जाना है, पोर्टल पर जाने के बाद आपको अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड पर जाना है, और आप अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड पर जाकर देखोगे तो वो डिमांड वहाँ पर आपको नील आ जाएगा कि भाई आपकी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन ये वाला क्राइटेरिया फुलफ़िल होना चाहिए, अगर ये क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हुआ तो तब आपकी डिमांड वेव ऑफ नहीं होगी। इसके अलावा सर मेरी TDS और TCS की कोई डिमांड है, मेरी TDS या TCS की कोई डिमांड है, मैंने रिटर्न लेट फाइल करी थी TDS की, या इंटरेस्ट है पेनल्टी, क्या वो भी वेव ऑफ हो जाएगी, आंसर इज़ नो। इन्होंने क्लियर लिखा है कि ये वाला जो ऑर्डर है ये सिर्फ इनकम टैक्स पर ठीक है ना, गिफ्ट टैक्स पर और वेल्थ टैक्स पर लगेगा, तो इसके अंदर TDS TCS से रिलेटेड कोई भी डिमांड वेव ऑफ नहीं होगी, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी करा है, और किसे बोला है, इन्होंने CPC को बोला है कि भाई आप दो महीने के अंदर आप एक्शन लो, और जो भी डिमांड्स आ रही है सब लोगों की और इस कंडीशन को फुलफ़िल हो रहा है तो उन डिमांड्स को नलीफाई कर दो, जीरो कर दो। तो इन्होंने पूरा एक्शन लिया है, और अगर आप पोर्टल पे जाके चेक करोगे तो पोर्टल पर इन्होंने बता दिया है, एक मिनट रुक जाओ, पोर्टल पर इन्होंने बता दिया है, यहाँ पर अभी ये शो नहीं हो रहा है। अब आप आउटस्टैंडिंग डिमांड में जाके देखोगे तो पोर्टल पे इन्होंने जो भी आपकी डिमांड है इस क्राइटेरिया के अंदर आ रही है तो उस पर लिख दिया है कि भैया रिलिंग्विश हो गई, हमने इसे छोड़ दिया, ठीक है ना जी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर इसका पूरा डिस्कशन चाहते हैं तो जो हमारा मार्च महीने का एडिशन आएगा उसके अंदर हम इसका फुल डिस्कशन करेंगे। और अगर किसी को इनकम टैक्स कोर्स को ज्वाइन करना है तो हमारा इनकम टैक्स का एकलव्य बैच कल से आ रहा है, तो अगर कल से आपको उसे ज्वाइन करना है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी को एकलव्य बैच के साथ साथ अर्जुन कोर्स भी ज्वाइन करना है GST का, तो वो अर्जुन कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है। तो ये हमारे 2 कोर्सेज हैं ठीक है, जो कि अभी करंट में चल रहे हैं, तो फटाफट से इसे ज्वाइन कर लो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, और अगर ये ऑर्डर की कॉपी आपको चाहिए तो फटाफट से
आप हमारी टीम को व्हाट्सएप करो या टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ले लो, ठीक है जी। चलिए इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।